आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस की हो गई है पूरी तैयारी, लेकिन उससे पहले है टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान को हराने की बारी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 22 अक्टूबर 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर आप सभी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शंस के रिगार्डिंग भी तीन चार बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ ही साथ एमपीएल के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमें यहां पर लाखों रुपए कमाने हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा एमपीएल के बारे में, क्योंकि एमपीएल पर टी20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान टीम इंडिया के मैचों वाले दिन आप जीत सकते हैं 2 करोड़ रुपए और मात्र 35 रुपए डिपोजिट करके आप यहां पर 1000 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। आप यहां पर फ्री में खेलकर भी इन लोगों की तरह लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैंने भी आईपीएल 2021 के दौरान यहां पर हर मैच में 20-25 टीम बनाई, लाखों रुपए मैंने यहां पर जीते और भाई टी20 वर्ल्ड कप में मैं सेम करूंगा, हर मैच के लिए 20 टीम बनाऊंगा। आज के मैच के लिए मैंने बनाई है, जिसमें से 20वीं टीम आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो इंतजार किस चीज का, भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से एमपीएल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है, क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शंस के रिगार्डिंग, जहां पर मैंने आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली बता दिया था कि भाई आईपीएल 2022 को लेकर अब की बार दो पार्ट में हमें ऑक्शन देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर सबसे पहले हमें टीम्स का ऑक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद भाई हमें यहां पर प्लेयर्स का ऑक्शन देखने को मिलेगा। तो भाई यहां पर बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है आईपीएल 2022 के टीम्स के मेगा ऑक्शन को लेकर। जी हां, 25 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से हमें आईपीएल 2022 का टीम्स का मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें यह फाइनली पता चल जाएगा कि भाई कौन सी दो नई टीमें आईपीएल 2022 में एडअप होने के लिए जा रही है। सभी इंफॉर्मेशन यहां पर बीसीसीआई के द्वारा आधिकारिक तौर पर रिवील कर दी गई है, जहां पर भाई यह बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली बता दिया गया कि भाई लगभग 20 से भी ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं जो आईपीएल 2022 के लिए दो नई टीमों को खरीदने के लिए पूरा अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। जी हां, 20 की 20 जो लिस्ट है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे। और भाई टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट उसके मुताबिक भाई 6 फ्रेंचाइजियों की यहां पर रेस होने वाली, उन 6 में से किन्हीं 2 फ्रेंचाइजियों को यहां पर आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। और भाई टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट उसके मुताबिक ऐसा ही बताया जा रहा है कि अहमदाबाद और लखनऊ ये दोनों फ्रेंचाइजियां इस रेस में फिलहाल सबसे आगे, लेकिन भाई अब की बार जो इन्वेस्टर्स है वो काफी ज्यादा धड़ाधड़ा रहे। मैंने आप सभी को बताया कि 20 से भी ज्यादा पार्टियां आईपीएल में टीम खरीदने के लिए पूरी तैयारियों के साथ मैदान पर उतरने वाली है, जिसके चलते भाई अब की बार यहां पर बीसीसीआई को अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। टिल नाउ जो कुछ सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट थी कि भाई टीमों का रेट यहां पर 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए तक जाने वाला है, लेकिन भाई जिस तरह का यहां पर कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है उस कॉम्पिटिशन को देखते हुए ऐसा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली लग रहा है कि भाई अब की बार यहां पर टीमों के जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, बीसीसीआई को यहां पर तगड़ा बेनिफिट होने वाला है। खैर, हमें 25 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से आईपीएल 2022 के टीम्स का मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हमें इस पूरे मेगा ऑक्शन की लाइव टेलीकास्टिंग भी देखने को मिलेगी, और जैसे ही यहां पर भाई दो नई टीमें फाइनलाइज हो जाती तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है टी20 वर्ल्ड कप 2021 के रिगार्डिंग, जहां पर हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले के बारे में। जी हां, 24 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे भारत और पाकिस्तान दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होने वाले, लेकिन इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले टीम इंडिया यहां पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में
फंसी हुई नजर आ रही है। जी हाँ, मुसीबत यहाँ पर प्लेइंग 11 के सिलेक्शन को लेकर है। प्लेइंग 11 के सिलेक्शन में टीम इंडिया फिलहाल बड़ी दिक्कत में फंस गई कि भाई यहाँ पर विकेट कीपर के तौर पर किसको टीम में शामिल किया जाए, कि आपके ऋषभ पंत होंगे या फिर ईशान किशन। ईशान किशन ने प्रैक्टिस मैच में शानदार परफॉर्मेंस किया, ईशान किशन यहाँ पर जगह डिजर्व करते, लेकिन पोजिशन यहाँ पर सेट नहीं हो पा रही, जिसके चलते ऋषभ पंत और ईशान किशन इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। वही दूसरी तरफ अगर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कराते, वैसे में यहाँ पर हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करके उनकी जगह पर प्लेइंग 11 में शार्दुल ठाकुर हमें देखने को मिल सकते हैं। एक बिल्कुल नई ब्रेकिंग प्लेइंग 11 हमें यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिलने वाली है। और भाई यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं आपके मुताबिक, क्या प्लेइंग 11 भारत की होनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी T20 वर्ल्ड कप 2021 के रिगार्डिंग है, जहां पर भाई फर्स्ट राउंड के मैचेस से तीन टीमों ने यहां पर ऑफिशियली सुपर 12 में क्वालिफाई कर लिया है, जो आपकी श्रीलंका है, बांग्लादेश है, स्कॉटलैंड है। एक टीम का क्वालिफिकेशन अभी बाकी है, जो यहां पर आज फाइनली हो जाएगा। और भाई जैसे ही यहां पर चारों टीमें क्वालिफाई कर जाएगी, उसके बाद सुपर 12 का ऑफिशियल शेड्यूल हमें देखने को मिल जाएगा। शेड्यूल यहां पर पूरी तरह से बदल जाएगा, और जैसे ही यहां पर फाइनल शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो भाई शेड्यूल आपको सबसे पहले अपने YouTube चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है हार्दिक पांड्या को लेकर। जी हां, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई पहले ही आधिकारिक तौर पर BCCI ने कंफर्म किया था कि यदि हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप 2021 में गेंदबाजी कराते हैं तो इनको यहां पर डेफिनेटली प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, लेकिन अभी तक वो गेंदबाजी कराते हुए नजर नहीं आए हैं, जिसके चलते इनकी प्लेइंग 11 में जगह को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। लेकिन टीम इंडिया के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा की तरफ से हार्दिक पांड्या के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है, जहां पर भाई उन्होंने बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली ऐसा बोला है कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले से पहले हार्दिक पांड्या बॉलिंग में कमबैक कर लेंगे, और भाई पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होने वाला है उस महामुकाबले में हमें हार्दिक पांड्या डेफिनेटली भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा शानदार रहता है, जिसके चलते भाई रोहित शर्मा यहां पर पूरी तरह से हार्दिक पांड्या के स्पोर्ट में नजर आए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है IPL 2023 से लेकर IPL 2027 तक के एडवर्टाइजिंग राइट्स को लेकर। टिल नाउ तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई यहां पर होस्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास है, 5 सालों के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने यहां पर अपने जो राइट्स है वो ले रखे थे, लेकिन भाई आगे यहां पर एक बार फिर से यहां पर दोबारा से अनाउंसमेंट होने वाले, अगले 5 साल के लिए दोबारा से यहां पर राइट्स बिकने वाले। और भाई टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेट्स है उनके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 36,000 करोड़ रुपए में अगले 5 सालों के लिए जो IPL के राइट्स है वो बिकने वाले हैं, जिससे भाई यहां पर BCCI को बहुत ही तगड़ा बेनिफिट, तगड़ा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये आज 22 अक्टूबर 2021 की क्रिकेट से जुड़ी अभी तो खबरें, इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय, और फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से MPL को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगले महामुकाबले के लिए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गिव अवे देखने को मिलने वाला है। दिस गेम इनवॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।